खबर है रामपुर की, जहां समाजवादी पार्टी के कदावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। रामपुर के एडीजे 6 न्यायालय में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम जमानती वारंट जारी हो गया है। दरअसल आजम खान को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ ये केस दर्ज करवाया था। रामपुर के थानागंज में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की है। मुद्दई के वकील संदीप सक्सेना ने बताया, अगर अगली तारीख पर यदि आजम खान नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। वहीं इस मामले पर जब हमने भाजपा नेता आकाश सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि आजम खान ने की पत्नी ने अपने बेटे के अलग अलग जगह से 2 जन्म के प्रमाण पत्र बनवाए थे। उस मामले पर जनवरी में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनकी आज तारीख थी। आजम खान को आज पूरे परिवार के साथ यहाँ आना था, लेकिन वे नहीं आए। इस संबंध में कोर्ट ने आजम खान पर उनकी पत्नी और बेटे को जमानती वारंट जारी किए हैं और 29 अक्टूबर को अगली तारीख पड़ी है। भाजपा नेता ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस मामले पर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जी वकील साहब, आज 3 तारीख आज आजम खान की समन जारी हुआ था, उनको पेश होना था, तो क्या वो पेश हुए क्या? नहीं, आज वो अदालत में पेश नहीं हो पाए। अब क्या कारण रहे, क्या डर था, गिरफ्तारी का डर था, क्या चीज था, ये तो वही बताएंगे। बहरहाल आज वो अदालत में उपस्थित नहीं हुए। मामला क्या था? ना वो हुए, ना उनका बेटा और ना ही उनकी पत्नी। वैसे मामला क्या था? मामला है अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म पात्र हैं, एक तो लखनऊ से जारी किया गया था, एक रामपुर नगर पालिका से जारी किया गया था। उसके विरोध में आकाश सक्सेना हनी ने एक FIR दर्ज कराई थी, तो उसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। उस फाइल के बाद संबन गए थे, इन्होंने संबन नहीं लिए तो अदालत ने इनके गेट पर वो चस्पा करा दिए थे। तो जब चस्पा कराने का प्रोसेस जो है वो तामीली पूर्ण मानी जाती है, उसमें आज की डेट लगी थी और इन तीनों में से आज कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है, तो अदालत ने इनके लिए BW जारी कर दिया है। BW मतलब वारंट जारी हुआ है। ये जमानती वारंट होता है? हाँ, ये अभी तो जमानती वारंट होता है, क्योंकि अदालत का एक प्रोसेस है, पहले संबन, फिर जमानती वारंट, फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाता है। अब तारीख क्या पड़ी है? अब 29-10 आज जो आजम और आजम की पत्नी ने अपने बेटे के जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे अलग अलग जगहों से, उस वाले मामले में जनवरी में मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसमें आज तारीख थी। आजम को पूरे परिवार के साथ आज आना था, लेकिन वो नहीं आए हैं, तो कोर्ट ने उसमें वारंट जारी किए हैं। 29 अक्टूबर डेट पड़ी है और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में न्यायपालिका कड़ी से कड़ी सजा देगी। और इस तरीके के लोग जो कानून को बिल्कुल अपना खेल समझते हैं, उनको सजा मिलेगी और हर चीज अब जनता के सामने आएगी। ये वारंट जमानती वारंट जारी हुए या क्या? अभी जमानती होते हैं, 29 तारीख के बाद अगर ये नहीं हाजिर होंगे तो उसके बाद किस किस के नाम हुए वारंट? देखिए, बाकी मामलों का मुझे नहीं है, लेकिन ये जो मामले हैं ये चूंकि पेपर एविडेंस है और सबसे गंभीर मामला है। अच्छा हनी भाई, इसमें किस किस को वारंट जारी हुए? आजम खान, तंजीब फातिमा और अब्दुल्ला आजम। और तारीख कौन सी पड़ी इसमें? अब 29 अक्टूबर तारीख पड़ी है इसमें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।